सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वेनम मूवी के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है इस फिल्म के दो एक्टर का। जी हाँ, इस फिल्म में दो एक्टर हैं जिनमें से एक एक्टर के रोल को कंफर्म कर दिया गया है। तो वो एक्टर है राजी अहमद। कई दिनों से इनके रोल पर सस्पेंस बना हुआ था कि वो इस फिल्म में रोल क्या कर रहे हैं, लेकिन अब उनका रोल इस इमेज को देखकर फाइनल कर लिया गया है। जी हाँ, तो इस इमेज को देखकर लोगों ने प्रेडिक्शन ये लगाया है कि ये इस फिल्म में रोल कर रहे हैं डॉक्टर कार्टन ड्रेक का, जिससे कि ये साफ होता है इस फिल्म की स्टोरी लेथल प्रोटेक्टर की है। जैसा टॉम हार्डी ने बताया था, डॉक्टर कार्टन वही डॉक्टर है जो वेनम के सिम्बन के सैंपल को टेस्ट करता है और इससे वो और भी ज्यादा वेनम्स बनाता है, जिससे हमारे वेनम को काफी प्रॉब्लम होती है। तो ये फाइनल हो गया कि इस फिल्म में रीज अहमद का रोल क्या है। और वहीं बात करें दूसरे एक्टर की, तो उनका नाम है वुडी हैरलिंसन। जी हाँ, कुछ रूमर्स ये आ रही है कि सोनी चाहता है कि वुडी उनकी फिल्म में काम करे, लेकिन अब तक ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि वो इस फिल्म में काम करेगी या नहीं। लेकिन अब कुछ रूमर्स ये है कि उनका इस फिल्म में कार्नेज का रोल है। जी हाँ, उन्हें इस फिल्म में कार्नेज के रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है। अब देखना यह है कि वो इस बात के लिए मानते भी है या नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि हमें वेनम मूवी का ट्रेलर कब देखने मिलेगा। वेल, तो कुछ प्रिडिक्शन आई है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस फिल्म का ट्रेलर हमें कब तक देखने मिल सकता है। वैसे इस फिल्म की रिलीज डेट है 5 अक्टूबर 2018, जिसे अभी काफी टाइम है। सोनी ने इसके टीजर को ब्लैक पैंथर मूवी के साथ डाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि इस फिल्म की बाकी शूटिंग टाइम पर खत्म नहीं हो पाई थी, इसलिए उन्होंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। और अब दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि इस फिल्म का टीजर हमें इन्फिनिटी वॉर मूवी के साथ में देखने जरूर मिलेगा। अब ये सिर्फ एक रूमर है, इस पर अब तक कंफर्मेशन नहीं मिली है कि इसका ट्रेलर इन्फिनिटी वॉर के साथ ही आएगा। और बात करें इसके ट्रेलर की प्रेडिक्शन की, तो उसकी ट्रेलर की प्रेडिक्शन कॉमिक बुक कास्ट 2 वालों ने की है। उनका मानना है कि इसका ट्रेलर इन्फिनिटी वॉर के साथ में जरूर आ जाएगा। तो अब हमें आगे पता जरूर चलेगा कि इस फिल्म का ट्रेलर सच में इन्फिनिटी वॉर के साथ में आएगा या नहीं। चौथी और सबसे बड़ी बात वेनम मूवी को लेकर, कि क्या वेनम मूवी एमसीयू का पार्ट है या नहीं। अब ये बात कहां से उठी, तो मैं आपको बता दूं, ये बात एक रिपोर्टर से उठी है जिन्होंने सीधे सीधे एमी पैस्कल पर सारी गोलियां चलाते हुए ये कहा कि क्या वेनम एमसीयू का पार्ट है। तो एमी पैस्कल का जवाब कुछ भी नहीं था, वो इसके जवाब से काफी बच रही थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग वेनम को उसके यूनिवर्स में बना रहे हैं, जिससे कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पर श्योरिटी नहीं है कि वेनम एमसीयू का ही हिस्सा है। वेल फ्रेंड्स, उनकी ये बात अब काफी सस्पेंस वाली है, लेकिन अगर सोचे तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि वेनम सच में एमसीयू का हिस्सा हो। एमसीयू ने ही सोनी को आइडिया दिया होगा कि वो अपने स्पाइडरमैन की मूवी को आगे कैसे और किस तरीके से बनाए। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।